अधिकारियों के पुराने झर्रे से तंग आ चुके मंत्री शिव डहरिया ने कहा है कि अब सिर्फ अधिकारियों का निलंबन ही नहीं होगा बल्कि उन पर अब अनिवार्य सेवानिवृत्ति और बर्खास्तगी की कार्रवाई भी की जाएगी। शिव डहरिया ने स्वराज एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि दो इंजीनियरों को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है जो कई जगह निजी और दूसरी जमीनों पर विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर शासन को चूना लगा रहे थे। साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया हैं जो समीक्षा बैठक में शरीक होने जा रहे हैं, समीक्षा बैठक लेंगे, किस किस चीज की समीक्षा है? देखिए, हमारे 168 नगरीय निकाय हैं, 13 नगर निगम, 44 नगर पालिका और 111 नगर पंचायत, इनकी हम समीक्षा बैठक लेते हैं हर लगभग 2 महीने 3 महीने में जब जरूरत होती है। और नगरीय निकाय के अंतर्गत आने वाले सभी जितने काम हैं उन सबकी समीक्षा की जाती है और जितनी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए कर्मचारियों के हितों का और अन्य हमारे जनता के मांग अनुरूप जो काम होना चाहिए उनकी समीक्षा होती है और उसमें गुणवत्तापूर्ण काम हो इसके लिए हमारे नगर निकाय पूरी तरह से काम करता है। दो इंजीनियर आपने सस्पेंड कर दिए, क्या उनके ऊपर आरोप? प्रधानमंत्री आवास योजना के जो DPR बनाए गए थे उसमें DPR में बहुत सारे जगह उन्होंने गलत DPR बना के प्रस्तुत किया जिसके आधार पर स्वीकृति हुई थी। उन स्वीकृतियों में बहुत सारे जो जगह है उसमें नजूल की जमीन में बना दिया था या प्राइवेट लोगों के जमीन में DPR बना दिया गया था या रेलवे के जमीन में DPR बना दिया गया था, ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए। कल 10-12 जगहों में इस तरह उन्होंने DPR बनाया था जिससे शासन को नुकसान हुआ, इसलिए उस अधिकारी को निलंबित किया गया है कि भविष्य में इस तरह की कोई गलत काम करने से अधिकारी भाग जाए। जांच भी होगी? निश्चित रूप से जांच होगी और हम इस बार प्रयास कर रहे हैं कि हम अधिकारियों को सस्पेंड नहीं करेंगे। जो काम में कोताही बरतता है उनको या तो अनिवार्य सेवानिवृत्त करेंगे या उनको बर्खास्त करेंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे शिव डहरिया जो कि नगरीय प्रशासन मंत्री थे, उनका कहना था कि अब कोताही बरतने वाले अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा या अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। कैमरामैन श्याम के साथ रुपेश गुप्ता, जौनपुर में यातायात।